गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके साथ मैं हूं दीपिका और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ गुना से आ रही जहां पे खाद वितरण केंद्र पर किसानों ने जमकर हंगामा किया है। मामला चाचौड़ा खाद वितरण केंद्र का है। यहां पर किसान आपस में भिड़ गए, नौबत मारपीट तक आ गई। किसान सुबह 5 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे। तो देखिए किसान सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए थे खाद के लिए, लेकिन यहाँ पे खाद वितरण केंद्र पर आपस में ही किसान भिड़ गए। हालांकि किस वजह से ये आपस में विवाद उत्पन्न हुआ है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से भीड़ है खाद वितरण केंद्र पर, आपस में किसान भिड़ गए हैं। गुना से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। आपस में किसानों के बीच जमकर मारपीट हुई है। चाचौड़ा के खाद वितरण केंद्र पर यह हंगामा हुआ है। सुबह 5 बजे से किसान यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे खाद को लेकर, और इसी बीच यहाँ पे किसान आपस में भिड़ गए हैं, नौबत मारपीट तक आ गई है। तो देखना होगा किस तरीके से इस मामले को प्रशासन के द्वारा सुलझाया जाता है, क्योंकि सुबह से देखिए यहाँ पे किस तरीके से अव्यवस्थित तरीके से किसान भीड़ में लगे हुए हैं। अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे खाद वितरण केंद्रों पर प्रशासन की तरफ से कतार में लगे रहने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यहाँ पे देखिए किसान किस तरीके से भीड़ में यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, लेकिन इसी बीच किसी बात को लेकर किसान आपस में ही भिड़ गए हैं। हालांकि पता नहीं चल पाया कि आखिर किस वजह से विवाद इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। फिलहाल यहाँ पर देखिए तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे, कितनी अव्यवस्थित है चीजें यहाँ पे। विजय कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विजय, सुबह 5 बजे से किसान लाइन में लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है अपने खाद के लेने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन भीड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा है और इसी बीच किसानों के बीच मारपीट भी होती है, क्या वजह? जी देखिए, अब गेहूं और चने दाने की फसल को जो की बुवाई शुरू होने वाली है, और इसी को लेकर जो है किसान खाद की दो बोरियों के लिए सुबह 5 बजे से 6 बजे से लाइन में लगे होते हैं, लेकिन खाद वितरण केंद्रों पर जो है इस तरह की तस्वीरें आम हो गई हैं। गुना जिले में करीबन 18 से 19 खाद वितरण के केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर इस तरह की तस्वीरें 2 से 3 दिन से सामने आ रही हैं, और लगातार जो है किसान आपस में ही लाइन में लगने को मारपीट कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रशासन के कोई सुविधाएं या पुलिस का कोई इंतजाम देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक प्रशासन का बड़ा फेलियर है, क्योंकि विजय हर बार कहा जाता है शासन प्रशासन की तरफ से, तमाम नुमाइंदों की तरफ से, खुद सिद्धिया यहीं से आते हैं, उनका भी ये कहना रहता है कि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए वो समय समय पर दिशा निर्देश भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अव्यवस्थित तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। विजय, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी, यहाँ पे दिशा निर्देश दिए जाते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, खुद केंद्रीय मंत्री सिंधिया के द्वारा, इसके बावजूद यहाँ पे कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा ही। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कहा तो जाता है कि प्रशासन और नेताओं के द्वारा मंचों से कि किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं, दुनिया की योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर देखा जाता है तो सारे इंतजाम और सारे बयान झूठे साबित होते हैं। आज भी किसान सुबह 5 बजे से 6 बजे से लाइन में लगे होते हैं, दो खाद की बोरियों के लिए जो है आपस में भिड़ जाते हैं, लाइन में लगना पड़ता है, और जो कर्मचारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं देते, किसानों की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया जाता प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा। अगर यही प्रणाली अगर ग्रामीण अंचल पे जो खाद वितरण केंद्र होते हैं वहां पर रखी जाए तो इस तरह की जो है असुविधाओं का सामना इन किसानों को नहीं करना पड़ता है। जी क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, इसी के चलते यहाँ पे किसानों को इस तरीके से समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।